पौड़ी का मौसम आप देख सकते हैं, आज थोड़ा क्लाउडी है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ओशियन होगा ऊपर। तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमालयन मॉन्क वैभव ब्लॉग्स में। तो काफी टाइम से मैंने रूम के अंदर का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी इसमें चल रहा है रिनोवेशन का काम। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं रूम के अंदर से भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी दिखा देता हूँ, मैंने सब कुछ पूरा पेंट चेंज कर दिया है इस रूम का। आप देख सकते हैं पहले इसमें रेड और ब्लू और येलो था, तो अब मैंने थोड़ा ग्रीनिश लुक दिया है इसको। हार्वेस्ट टाइम वाला कलर है जो, उसका लुक दिया है मैंने। आपको दिखा देता हूँ कैसे ये रूम लग रहा है अभी। फिलहाल एम्बियंस बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें। तो अब आपको जल्दी से देखने के लिए मिलेगा नया स्टूडियो। तो अभी देखो, मैंने करा दिया इसमें पेंट, तो अभी इसमें लगने हैं पैनल्स और अभी सब अस्त व्यस्त हो रखा है। इसमें पेंटिंग्स वगैरह लगेंगी, लाइटिंग वगैरह, अभी सब कुछ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। तो मैंने कराया ग्रीन, अभी कर्टेंस भी लगेंगे। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा स्टूडियो दिख रहा है। ये वाला कलर बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल 2023 में। ये वाला कलर टॉप में ट्रेंड में है, तो आप लोग भी ये वाला कलर करा सकते हैं। जिसको कलर कोड पूछना होगा तो मैं बता दूंगा कौन सा कलर है ये। ये है रॉयल का वैसे, और कलर कोड मैं आपको दे दूंगा। बाकी मैंने कुछ हैंड लेटरिंग टेक्स्ट बनाए हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी इनको लगाऊंगा यहाँ पे कुछ ये वाली पेंटिंग्स। ये रहे वॉल पैनल्स। तो वॉल पैनल्स अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ पे लगाऊं। जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जल्दी वॉल पैनल लगाऊंगा और जल्दी आप लोगों को नया स्टूडियो देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये हारमोनियम मैंने कुछ टाइम पहले ली थी, तो इसका मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाला, मतलब मैंने ब्लॉग में बजाएंगे, तो आज लोगों को दिखाऊंगा मैं बजा के हारमोनियम। थोड़ा बहुत सीख गया हूँ मैं, पहले मेरे को बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो ये है सपरी वाला मॉडल, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हारमोनियम है। तो देहरादून से लाया था मैं इसको, तो इसको बजा के सुनाता हूँ इसकी साउंड। आप लोग भी घर में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, जैसे हारमोनियम भी रखी है मैंने। तो आप इसमें रोज हाथ मारेंगे ना, आप सीख जाएंगे। ऐसा कुछ टफ टास्क नहीं होता, हारमोनियम बहुत ही आसान होती है। बस आपको सुर का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, और मेट्रोनोम आपके माइंड में चलना चाहिए, तो आप लोग भी सीख जाएंगे। तो ये रही वेजिटेबल्स, आप लोग भी इसको लगा सकते हैं। तो ये लेट्यूस, अब इसको आइसबर्ग भी बोलते हैं, और ये है रोमानियन, ये वाला रोमानियन है। तो आप लोग इसको लगा सकते हो, आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने इसको लगाया छोटे छोटे ग्रो बैग्स में, तो इनको आप सीड से आसानी से उगा सकते हैं। और आप मतलब एक ही जगह में पॉट्स ट्रेस आती हैं ऐसी ग्रो ट्रेस, तो उसमें भी उगा सकते हैं इसको, तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। और किसी भी सीज़न में आप इसको उगा सकते हैं। तो अभी हो रहा है फॉल विंटर यहाँ पौड़ी में, तो मतलब अभी है यहाँ मतलब विंटर। जनवरी में भी ये अच्छे से खिल रहे हैं, मैंने लगाया था दिसंबर में, तो देखिए जनवरी में कितने बड़े हो गए। तो आप लोग इसको मार्च अप्रैल कभी भी ग्रो कर सकते हो। हाँ, ये जून जुलाई में थोड़ा बरसात के टाइम नहीं होगा, लेकिन बाकी हमेशा हो जाएगा। तो स्पेस भी काफ़ी कम घेरते हैं, और आप लोग लगा सकते हैं इसको, देखिए। तो किसी को अगर चाहिए होगा तो मैं दे भी दूंगा आप लोगों को, जिसको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे भी हैं बहुत सारे, तो इसमें एक चर्ड भी है, स्विस चर्ड बोलते हैं इसको, और ये आइसबर्ग है। तो ये मिक्स लगा रखे मैंने, तो इसका पत्ता जस्ट आप ऐसे भी खा सकते हैं डायरेक्ट। और ये वही पत्ता है जो बर्गर के अंदर देखा होगा आपने, बर्गर के अंदर, और इसको सलाद पत्ता भी बोलते हैं। तो सैलेड में ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी सब्जी तो नहीं बनती, लेकिन बना सकते हैं एज ए एक्सपेरिमेंट करके आप लोग। तो आप लोग यहाँ लिली भी उगा सकते हैं, बहुत आसानी से लिली यहाँ पे उग जाता है। तो काफ़ी लोगों ने बोला था आप टफी को वीडियो में बहुत कम दिखाते हैं, तो ये हाथ में ही नहीं आता इसलिए बहुत कम आता है वीडियो में। तो आज मैं इसकी एक्सरसाइज वाला वीडियो बताता हूँ, जो भी एक्सरसाइज करता है सुबह, इसको ड्रिल्स देते हैं बहुत सारी सिखाने के लिए। तो ये देखिए टफी की फील्डिंग, बॉल छोड़ ये वाला लेके आएगा, देखो अभी बहुत फास्ट है टफी, आप देख सकते हैं जैसे कि
अब ये वाली बॉल यहाँ पे रखेगा, अब ये वाली लेके आएगा, अभी यहाँ पे रखेगा, अब ये वाली लाएगा, उसको भी लेके इधर, दोनों बॉल संभाल दे, अब एक साथ रख दोनों को, गुड, दोनों बॉल तेरी हैं, चल हाँ तेरी हैं भाई दोनों, ये वाली देख इधर आ गई, इसको भी रख, मैं ले जाता हूँ इसको, रख इसको भी ले, मैं ले जा दूंगा, दोनों एक साथ, हाँ एक साथ, बिल्कुल एक साथ, गुड गुड, टफ तो टफ ही अब हो चुका है पूरा 8 महीने का, तो काफी कुछ सीख गया ये, ले जवान ले जा आग जलाने के लिए, चल तो नीचे हो रहा था काफ़ी ठंडा था, अपना सिस्टम लग गया यहीं पे, तो यहीं से मत काम करना, तो ब्लॉग को करेंगे एंड, होप आपको ये वाला ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ, और मिलेंगे नए अपडेटेड ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।